हेलो एवरीवन, 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुमत के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट और अफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो अगर हमें प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, प्रेसिडेंट को हटाना है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, इन सब में कौन सी मेजॉरिटी या बहुमत के प्रकार का इस्तेमाल होता है। तो एक एक करके आइए समझते हैं। सबसे पहले है मोस्ट सिंपल, सिंपल मेजॉरिटी। तो इसका मतलब आप कैसे समझें, तो सिंपल मेजॉरिटी को आप इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए लोकसभा में अभी जो पूरा स्ट्रेंथ है लोकसभा का, इसमें 543 लोग हैं, है ना, 543 लोग हैं। अब कोई मीटिंग हुई, सदन बैठी और सदन में कुछ लोग एब्सेंट हो गए। ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो एक ही दिन आ जाएंगे, कुछ लोग एब्सेंट हो गए। तो मान लीजिए कि 23 लोग जो हैं वो एब्सेंट हो गए, ये लोग आए ही नहीं, और बाकी जो लोग आए उसमें से मना कर दिया वोट करने के लिए, कुछ लोग जो हैं वो वोट ही नहीं किए, ठीक है। तो मान लीजिए 20 लोगों ने वोट नहीं किया। अब जो लोग प्रेजेंट हैं और जितने लोग वोट कर रहे हैं, है ना, प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं, हम यहाँ लोकसभा का एग्जांपल ले रहे हैं, तो 543 में 43 लोग तो है ही नहीं, 500 लोग ही प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। तो अब अगर हमें 500 में से हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 250 आएगा, और इसमें प्लस 1 कर देंगे तो जो लोग प्रेजेंट हैं और जो लोग वोट कर रहे हैं उनका आधा प्लस 1, ये आ जाएगा 251। और यही क्या हुआ, यही हो गया आपका सिंपल मेजॉरिटी। बहुत ही सिंपली तरीके से हमने समझ लिया, क्या समझा, जितने लोग नहीं हैं, एब्सेंट हैं, सीट वैकेंट भी रह सकती है, कोई सीट ही खाली है, कुछ लोग एब्सेंट हैं, कुछ लोग मना कर दिए कि हमको वोट ही नहीं करना है, तो जितने लोग बचे जो आए भी हैं वोट भी कर रहे हैं उसका 50% करेंगे, प्लस 1 करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मान लीजिए 100 लोग हैं उनमें से 80 और वोट कर रहे हैं और प्रेजेंट हैं, एग्जाम्पल है ये, तो 41 जो है ये आपकी क्या हो गई, सिंपल मेजॉरिटी हो गई। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, साधारण अगर कोई प्रस्ताव है, बिल है, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी मोशन को, सेंसर मोशन को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को, कॉल मोशन को पारित करना है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, तो हम सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे। अगर लोकसभा में वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन है, इनको रिमूव करना है, तो लोकसभा में वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना है या स्टेट इमरजेंसी लगाना है तो ये सिंपल मेजॉरिटी है। अगर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है, बिहार से लेकर झारखंड बना देना है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया है, तो पार्लियामेंट में ये सिंपल मेजॉरिटी है, कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल नंबर 3। अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करना है तो 50% और एक आदमी और वोट दे देगा, जिनके पक्ष में वो बन जाएंगे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। और जब कोई बिल, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल मेजॉरिटी में, तो कोई बिल जो कि संविधान में संशोधन करता है और राज्य को किसी ना किसी तरह से प्रभावित करता है और इसका हमें रेक्टिफिकेशन करवाना है स्टेट वालों से, तो वहां पर भी ये सिंपल मेजॉरिटी ही काम आएगा। तो पॉलिटी में जहां जहां आप ये प्रावधान पढ़ेंगे ये सारे, यहां सिंपल मेजॉरिटी है। चलिए अब हम आते हैं अफेक्टिव मेजॉरिटी में। ये भी बहुत इजी सा है, इसको बस आप इस तरह से समझें कि जैसे हमने लोकसभा में ये समझा कि लोकसभा में क्या हुआ कि टोटल सीट कितना होता है, 5 जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतना है। अब चुन के आए कितने, तो 543 जो है वो चुन के आए हैं, ठीक है। अब 543 में किसी का बाय इलेक्शन होना है, निधन हो गया या कुछ भी इस कारण से सीट खाली रह गई, तो मान लीजिए कि सीट, 2 सीट या 3 सीट खाली है, ठीक है, 3 सीट खाली है। अब एक्चुअली जो स्ट्रेंथ है, जो टोटल स्ट्रेंथ अभी प्रेजेंट जो टोटल स्ट्रेंथ है, तो उस टोटल स्ट्रेंथ को हम देखेंगे जो अभी है ना, अफेक्टिव स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ से हमने क्या माइनस कर दिया, जो भी खाली रहा वैकेंसी, तो वैकेंसी हमने माइनस कर दिया। और हम देख रहे हैं कि अभी जो एग्जैक्टली आया, जितना बचा वो कितना है, तो हम देख रहे हैं कि 540 लोग ही बचे,
तो 540 का जो अफेक्टिव यहाँ पे अफेक्टिव नंबर आ गया, 540 का हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 270 आए और प्लस 1 आए। आपको यहाँ से वैकेंसी को हटा देना है तो 271 आपकी अफेक्टिव मेजॉरिटी आ गई। वैकेंसी को हटा दीजिए, सिंपल में क्या था कि वैकेंसी को भी जोड़ के चल रहे थे हम लोग, है ना, यहाँ से वैकेंसी हट गया तो नंबर ऑफ वैकेंसी हट गए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है कि 545 टोटल है, 25 वैकेंसी है, उसको हटा दिया गया तो यहाँ पे जो डिवाइड बाई 2 प्लस 1 हो गया, ये आपका अफेक्टिव है। अब रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा में आपने देखा सिंपल मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा में ये एक अफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ होगा, इसका मतलब है वैकेंसी हट जाएगी। फिर हम देखेंगे रिमूवल ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इलेक्शन ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। जब हम इलेक्शन की बात करेंगे, इनके इलेक्शन की, इनके चुनाव की बात करेंगे, तो ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ हो रहा था, लेकिन जब हम इनके इनके रिमूवल की बात करेंगे तो ये क्या है, अफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ, राइट। तो ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया। अब हम स्पेशल मेजॉरिटी पढ़ेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी का 3 जगह उपयोग होता है, आर्टिकल नंबर 61 जो कि प्रेसिडेंट के रिमूवल से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 249 जहां पर राज्यसभा पावर दे रही है कि आप स्टेट के मैटर पर, स्टेट के सब्जेक्ट पर, राज्य के विषय पर कोई कानून बना सकते हैं संसद में, और आर्टिकल नंबर 368 जहां पर आपको संविधान में संशोधन करने के प्रावधान मिल रहे हैं। इन तीनों का स्पेशल मेजॉरिटी अलग तरह का है, विशेष बहुमत। सबसे पहला जो मुश्किल है, इम्पीचमेंट होना, इम्पीचमेंट होना प्रेसिडेंट का। इसमें क्या होता है कि दोनों ही सदन में जितने भी लोग हैं, आपको इससे मतलब नहीं है कि वैकेंट कितना है, आपको इससे मतलब नहीं है कि वहां पे वोटिंग कितने कर रहे हैं, कितने प्रेजेंट, उससे कोई मतलब नहीं है। अफेक्टिव भी नहीं, वैकेंसी भी नहीं हटाना है, टोटल जो स्ट्रेंथ है, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका आपको 2/3 चाहिए। जितना टोटल स्ट्रेंथ है उसका आपको 2/3 चाहिए। यह है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जब भी इम्पीचमेंट वर्ड आएगा वो प्रेसिडेंट का ही महाभियोग हो सकता है और किसी का इम्पीचमेंट नहीं होता है। यह आर्टिकल नंबर 61 है। नेक्स्ट है कि अच्छा ठीक है, टोटल का नहीं लेंगे, जो प्रेजेंट हैं, जो आए हैं और जो वोट कर रहे हैं, यानी वैकेंसी हटाओ, जो एब्सेंट है उनको भी हटाओ, जो वोट एब्सटेन कर दिए हैं कि नहीं वोटिंग करना उनको भी हटाओ। अब हमको अगर राज्यसभा के द्वारा ये बात मनवानी है कि अच्छा आप हमको ये अलाउ कर दें कि हम स्टेट सब्जेक्ट पे भी कोई कानून बना सकते हैं, पार्लियामेंट बना सकता है कि नहीं, तो कुछ केसेस में राज्यसभा अलाउ करती है और उसके लिए राज्यसभा को इस चीज़ को 2/3 जो लोग प्रेजेंट हैं और जो लोग वोट कर रहे हैं उस मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ेगा। ओके, अब आता है आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 में क्या होता है कि यहां पर 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग दोनों चाहिए। इसको समझिए, तो आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि टोटल स्ट्रेंथ किसी हाउस का, कैलकुलेशन के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहां पर टोटल स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि है 300, ठीक है। अब देखिएगा सिंपली, तो 300 का अगर हम 50% करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 151, ठीक है। 300 का 50% प्लस 1, 151, और साथ ही साथ इसका अगर हम 2/3 निकालेंगे जो कि प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 300 में आपके 270 ही प्रेजेंट है, 30 लोग एब्सेंट हैं, 270 ही प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, पी प्लस वी, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो आप इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसमें से 90 से कटा तो 180 आ गया, तो जो 2/3 आया है वो ज्यादा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी स्पेशल मेजॉरिटी 368 के लिए, यानी कि संविधान के संशोधन के लिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 300 का अगर हम टोटल स्ट्रेंथ देखेंगे तो 151 ही आया, है ना, सिंपल मेजॉरिटी में टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1, 151 आया, लेकिन जब हमने वोटिंग किया 2/3 किया तो 2/3 में क्या हुआ कि 120 लोग ही आए थे, ठीक है, 2/3 में 120 लोग ही आए थे। फिर क्या होता है कि जब आप इसको क्रॉस कीजिएगा तो 40 से होगा, तो इसमें तो 80 ही आया, तो ये नंबर जो है ये कम हो गया ना,
इसके सिंपल मेजॉरिटी से ये नंबर कम हो गया, तो इस केस में प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप इसको एक बार और देखिएगा वीडियो को, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि जब भी आपका ये वाला वोटिंग आएगा तो 50% आप निकाल लीजिए टोटल स्ट्रेंथ का, और जितने लोग वोट कर रहे हैं उसका 2/3 निकालिए, और जितने लोग वोट कर रहे हैं उसका 2/3 हमेशा ज्यादा होना चाहिए पूरे हाउस के 50% से, पूरे हाउस के 50% से। अगर कम ही लोग आए हैं, कम ही लोग प्रेजेंट हैं, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए ये संविधान में संशोधन नहीं चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग ही कम आए हैं, तो उसका आप कितना 100% भी ले लीजिएगा, 120 का 100% भी ले लेंगे तो 150 से तो कम ही आएगा। इसका मतलब है बाकी लोग नहीं चाहते हैं ये संविधान में संशोधन। तो जब हमें संविधान में संशोधन चाहिए होता है, या हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना होता है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होता है, या फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपका वो था मतलब सिंपल मेजॉरिटी, अगर हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी है, या हम क्या कर रहे हैं विधानसभा में, जो राज्य का विधानसभा होता है उसमें हम बनाना चाहते हैं या विधान परिषद को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए कि कम से कम उस हाउस का 50% लोग हो, ठीक है, ये नंबर निकाल लेंगे, और जो लोग आए हैं और वोट कर रहे हैं उसका हम 2/3 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, ये 2/3 ज़्यादा होना चाहिए, और तब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और आखिरी कौन सा है, तो आखिरी है स्पेशल, यहाँ पे इसी में जो स्पेशल मेजॉरिटी है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो निकालने के बाद अगर कोई ऐसा संविधान का संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कुछ ऐसा है जो कि स्टेट्स को भी प्रभावित कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार विमेन का है ना 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है कि 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए, तो ये जो महिलाओं का 1/3 बहुमत आपको चाहिए तो सारे विधानसभा से आपको पारित करवाना पड़ेगा, तो यानी आपके पास 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में से कम 14 से आपको सिंपल मेजॉरिटी कुछ भी नहीं करना है, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास कराना है सिंपल मेजॉरिटी से। अब लास्ट ये आता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जहां पे टोटल स्ट्रेंथ कुछ भी हो, 545 टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका आप 50% लीजिए और +1 लीजिए, ये आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। एक और बार हम आपको कंक्लूड कर देते हैं, जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका जब हम 50% निकालते हैं +1 करते हैं तो ये हो गया आपका सिंपल मेजॉरिटी। जो लोग टोटल है, प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब नहीं है, उसका जब हम 50% निकालते हैं +1 करते हैं ये हो गया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। टोटल स्ट्रेंथ से हम अगर माइनस कर दें वैकेंसी को, टोटल स्ट्रेंथ से हम वैकेंसी को माइनस कर दें और उसका 50% निकालें, वैकेंसी को माइनस कर रहे हैं यानी कि टोटल स्ट्रेंथ है लेकिन तो भी खाली है कुछ, ठीक है, कुछ खाली है तो इसको हम माइनस कर लें, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं देख रहे हैं हम, वैकेंसी हटा रहे हैं, तो ये अफेक्टिव मेजॉरिटी। और बाकी जो है वो है 2/3, टोटल का लीजिएगा तो प्रेसिडेंट को हटाना है 61, 2/3 अगर आप प्रेजेंट एंड वोटिंग का ले रहे हैं तो आपको यहां पर प्रेजेंट एंड वोटिंग में 368 देखना है, ठीक है, तो 368 क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन ये आपके टोटल का हाफ से ज्यादा होना चाहिए। और बाकी 249 में आप क्या देख रहे हैं कि 249 में जो राज्यसभा का है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर आप एक और बार देखेंगे आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। तो जो राज्यसभा का है, जैसे यहां पे आप अगर आप 249 का देख रहे हैं तो प्रेजेंट एंड वोटिंग है बस, इसमें क्या है कि टोटल स्ट्रेंथ का तो देखना ही नहीं है, राज्यसभा में आपको क्या देखना है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग देखना है, ठीक है। तो बेसिकली ये 249 का है, ये है बहुमत के प्रकार जहां से कभी कभी सवाल आते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट, होपफुली ये 10-मिनट सीरीज आपको फायदा कर रहा है।